औलाद को औलाद नहीं, उन्हें पुत्र बना के रखो, पुत्रियां बना के रखो। बंधुओं ध्यान रखना, बहुत बड़ी मुश्किलें आएंगी आगे चल के। आप रिटायर होके तो देखो, आपका कुछ भी वापस नहीं मिलने वाला है। साले के नाम पे गया वो साले का हो जाएगा, साली के नाम पे गया वो साली का हो जाएगा, और आप जिसके भी नाम पे कर देंगे नौकरी करते करते दो नंबर को, वो उन्हीं के नाम पे हो जाएगा। तुम लड़ लड़ के मर जाना, वो ना मिलने वाला। और जिनको तुमने दिया है वो तुम्हारे दुश्मन तो हो सकते हैं पर अपने नहीं होंगे बाद में। धन की इतनी बुरी बुरी बीमारी है, क्यों? पैसे का तमाशा ही ऐसा है। इसीलिए परमात्मा तुम्हारा हाथ पकड़े, जब धन तुम्हारे पास आए चाहे वो किसी भी रास्ते से आए, उसमें से कुछ हिस्सा परमात्मा के कार्यों में लगाओ, कुछ हिस्सा राष्ट्र के कार्यों में लगाओ, कुछ हिस्सा भूखे बावड़ों के कार्यों में लगाओ, कुछ हिस्सा हॉस्पिटल वगैरह खोल के निःशुल्क सेवा करवाओ। कुछ ऐसा करो जिससे धन परमात्मा तुम्हें दे के अंदर अंदर प्रसन्न हो, भगवान को अच्छा लगे कि मैंने अपने इस पुत्र को धन दिया, मैंने इस अंश को धन दिया, इसको मैंने धनवान बनाया, ज्ञानवान बनाया, यशवान बनाया, इसने सदुपयोग करके मेरे कार्यों को आगे बढ़ाया। जैसे भगवान सबकी सेवा कर रहे हैं, सबको सब दे रहे हैं। बोलिए, आंख नाक कान ये बहुत मुश्किल है कि बदल जाएं। आंख तो हमने देखा भी है, डोनेशन हो जाता है आंख का, पर कानों का डोनेशन होते मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने भी बड़ी पढ़ाई की है, पर ऋग्वेद से लेकर के आज का कोई साहित्य होगा तब वो सब पढ़ लिया है। मैंने कभी देखा नहीं कि कान भी डोनेशन हो सकता है, कान भी दे जा सकते हैं किसी को। और मैंने आज तक ये नहीं देखा है कि किसी का हाथ कट गया तो मैं अपना हाथ उसको दे सकता हूं। एक आध पार्ट बॉडी में ऐसा है जो ट्रांसप्लांट हो जाता है, बदल जाता है, दिया जा सकता है, पर वो भी हमेशा संशय में रहता है, डाउट में रहता है, असमंजस में रहता है, कब तक चलेगा, कितना चलेगा, क्या होगा। इसीलिए इन सब चीजों में हमें नहीं पड़ना है, ना लेना है, केवल देने का सोच भाव रखो। और मेरा जो आज का व्याख्यान है, कथा है, ये कह रही है कि पैसे को पैसा नहीं, रुपए को रुपा नहीं, उसको धन बना के छोड़ो, उसे धन बना के रखो। औलाद को औलाद नहीं, उन्हें पुत्र बना के रखो, पुत्रियां बना के रखो। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा धन, तुम्हारा संसार आनंद और प्रसन्नता ऐश्वर्य के साथ आगे बढ़ेगा। अगर औलाद औलाद रही ना तो पशु पक्षियों की तरह खत्म कर देगी सारा संसार तुम्हारा।